कहलाती। इसी प्रकार हम अगर हमारे गुरु से प्रेम करें, हमारे गुरु के चरणों में हमारी श्रेष्ठता हो, तो हमारे में समर्पण की स्थिति हो, तो हम इसको प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। आज अगर कहूं तो आप यहाँ बैठे हुए आधे लोग करेंगे गुरु जी हम गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थिति को हमें हम कभी ये नहीं कह सकते। गुरु से प्रेम करने की बात तो दावे के साथ कहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे हम दुखी नहीं है। हम तो हमारा दुखड़ा गुरु के पास रहेंगे जरूर। हम बोलेंगे मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे को पेट दुख रहा है, मेरे सर दर्द दे रहा है, मेरे वो दे रहा है, ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कृष्ण को अर्जुन और दोनों जब बैठे थे तो इस प्रेम के बारे में एक बार अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे थे। तो एक बार धर्मराज का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उसके घोड़े को छोड़ दिया गया था। तो मयूरध्वज और ताम्रध्वज नाम के दो भाई थे। ताम्रध्वज नास्तिक था और मयूरध्वज कृष्ण भक्त था। तो वो दोनों भी इनके उनको जब पता चला कि हमने आज तक श्री कृष्ण को देखा नहीं है, तो हम धर्मराज के जो घोड़े को जो अश्वमेध यज्ञ में आया उस घोड़े को हम पकड़ के रहते हैं तो जरूर कृष्ण का दर्शन होगा, और कृष्ण का दर्शन होते हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये बात समझकर उन्होंने कृष्ण का घोड़ा इसलिए अश्वमेध का घोड़ा इसलिए नहीं पकड़ा कि उसको उसको जीतना है, सिर्फ इसलिए पकड़ा कि हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, यानी कृष्ण के प्रति उनको उतनी इच्छा थी कि कृष्ण को देखना है। तो उन्हें जो घोड़े को पकड़ा थी बात पता चली और अर्जुन आए, अर्जुन सेना के साथ आए, ये सब लोग भी सेना के साथ गए। लेकिन जो कृष्ण के साथ झगड़ने के कारण इतना जोर से युद्ध हो रहा था कि कोई कौन जीतेगा इसका बारिश के इस बात का पता नहीं चला। आज कृष्ण को देखना पड़ा कि हे अर्जुन ये युद्ध बहुत देर तक चलने वाला है, तुम ऐसा करेंगे कि मयूरध्वज से तुम जीतोगे ऐसा तो नहीं, ताम्रध्वज भी वैसा ही श्रेष्ठ धनुर्धर है, आप ऐसा करेंगे हम जरा जाकर विश्राम लेंगे बाहर जाएंगे। लेकिन अर्जुन को कहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैं तो युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और कृष्ण को लगा कि ये बात समझता नहीं, क्योंकि मयूरध्वज कृष्ण को प्रेम करता था और मयूरध्वज कृष्ण को प्रेम के आनंद में युद्ध कर रहा था और अर्जुन वीरता विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा था। वहाँ कृष्ण का प्रेम मयूरध्वज के साथ था, लेकिन जब प्राण मयूरध्वज ने छोड़ा तो देखते हैं क्या कृष्ण की माया से कृष्ण और अर्जुन दोनों भी मूर्छित हो गए, दोनों भी मूर्छा से गिर गए दोनों। और बाद में देखते हैं कि उन दोनों को मान दिया गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन उठा, देखता क्या कि हम मूर्छित हो गए, गिर गए, मयूरध्वज सामने खड़ा था। तो कृष्ण ने कहा चलो जान बची लाखों पाए भागे चलेंगे, कृष्ण की माया थी। तो कृष्ण तो कहना चाहते कि हम चले जाएंगे अभी मूर्छित हो गए हैं। तो कृष्ण अर्जुन को तो एकदम अवमानित होना पड़ा कि अपमान हुआ कि हम हिंदू आप इतने बड़े महान देवता रहकर भी उसके सामने मूर्छित होना क्या। देख अर्जुन मैं तुझे बताता हूँ, अभी एक थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से छूट कर बाहर जाएंगे। दोनों बाहर आए, बाहर आके ब्राह्मण का वेश धारण किया कृष्ण ने और अर्जुन ने, और उस मयूरध्वज के पास ब्राह्मण के वेश में गए और कहा कि हे मयूरध्वज हम ब्राह्मण हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो यहाँ ये जो मेरे साथ है ये मेरा बेटा है, आते आते हमें सिंह दिखा था, एक सिंह जो मनुष्यवाणी में बात कर रहा था और वो मेरे बेटे को खाने गया, तो मैंने कहा मेरे बेटे को मत खा, मैं अपने प्राण तुझे देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मैंने कहा, लेकिन वो कहता था मैं तेरे बेटे को ही खाऊंगा। आखिर ये बात हुआ कि बहुत प्रार्थना करने पर उसने कहा कि एक बात मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ सकता हूँ, क्या कि मयूरध्वज जो राजा है उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको आगे से चीर दें तो उसका दाया जो भाग है वो मुझे अर्पण कर दे, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। तो हे राजा हम तुम्हारे पास आए, मेरे बेटे की जान बचानी है, तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा तुम्हें आधे से चीर दें और तुम्हारा भाग हमें दे दें। मयूरध्वज देखा कि साक्षात कृष्ण है और कोई नहीं है, कुछ माया डाल रहे हैं। मयूरध्वज ने कहा कि प्रभु आप कहें, आप ब्राह्मण देवता मुझे मानते हैं और मैं राजा हूँ, दान देना मेरा कर्तव्य है, मैं तैयार। पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे काट कर मुझे ले लो। लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें लेना नहीं चाहता क्योंकि सिंह ने इनका ही आधा भाग मांगा है। बेटे ने कहा मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बेटे को भी लेने के लिए तैयार है। तब उनको दो खंभों में मयूरध्वज को बिठा दिया गया, एक तरफ अरि में पत्नी और एक तरफ बेटा खड़े रहकर दोनों आगे से चीरने लगे मयूरध्वज राजा। चीरते हुए जब चीरने लगे तो देखा क्या कि मयूरध्वज के एक अंग से दक्षिण के बल से आंखों से पानी टपक रहा था। तो ब्राह्मण ने चीखते हुए कहा जो आदमी रोते हुए दान करता मैं उसका दान नहीं लूंगा, मैं चले जा रहा हूँ। आगे चीरने के बाद तब
देखकर पत्नी और बेटा दोनों की आंखों में आंसू आए, लेकिन उन्होंने आंसू को रोके और कहा। तब मयूर फिर हंस के कहता है कि प्रभु ये आंखों के आंसू नहीं है, आपने गलती से एक बात कही कि तुमने मेरे आधे भाग का वाम भाग ही लेना चाहा, तो मेरे दक्षिण भाग ने कहा कि मुझे भी लेते तो अच्छा था, इसलिए वो आंखों से पानी आए। दाएं भाग को मांगे हो, अगर दक्षिण भाग में मांगते तो मेरा कितना भाग्य था, उस दाएं भाग का कितना भाग्य है, ये उसकी आंखें हैं। जब ये अर्जुन ने देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या राजा है। तब देखा कृष्ण ने अपना निजरूप बताकर कहा कि हे अर्जुन, हम क्यों मूर्छित हो गए और मुझे क्यों मूर्छित होना पड़ा, कि कृष्ण ये मयूरध्वज मेरा प्रेमी है, मेरा साधक है, इसलिए मैं उसके सामने और साधकों और मेरे भक्तों के सामने मैं हरदम झुकता हूँ। उस प्रेम को हम आज तक जानने वाले नहीं, उस प्रेम को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया, ना गुरु के साथ उतना प्रेम करते हैं। हम उतना प्रेम करने की जब शक्ति रखते हैं तो हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं, हम कटे भी तो हम बहुत श्रेष्ठ कहलाते हैं। इसी तरह सूरत नाम का आप अगर दुर्गा सप्तशती में देखते हैं, सूरत नाम का एक राजा है, ये भी राजा बहुत प्रतापवान था, बहुत श्रेष्ठ था। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो सूरत दुर्योधन के पक्ष में था। वह पूर्ण युद्ध में भीष्म द्रोणाचार्य आदि सभी चले जाने के बाद सूरत सामने आया और उसने कृष्ण और अर्जुन के घोड़े के सामने आकर अपना घोड़ा और अपना रथ खड़ा कर दिया और कहा कि हे अर्जुन और कृष्ण, आज तुम्हें मुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो कृष्ण ने देखा कि सूरत के साथ युद्ध करना बहुत खराबी, क्योंकि इसके उसके ऊपर माता देवी भगवती की कृपा है। तो कृष्ण क्या किया, अपने रथ को उठा के और एक तरफ चला गया, चला कर दूसरी तरफ चले गया। तो कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा भाग कर क्यों जाते हैं, उसके सामने खड़े रहेंगे तो जो तो चुप बैठे, कुछ करना नहीं है, जाएंगे हम उसके साथ युद्ध करने। लेकिन सूरत छोड़ने वाला नहीं था, उसने उसके तो उसको तो देखना था कि कृष्ण को भी और अर्जुन को मेरी विद्वत्ता का मेरी विजय का पता चलना चाहिए। सूरत फिर जाकर वो जहाँ चले गए वहाँ जाकर फिर खड़ा हो गया। फिर खड़ा हो जाने के बाद बाण दोनों तरफ से चलने लगे और देखता क्या है कि एक बाण पर जब उन्होंने अर्जुन ने बाण छोड़ने की प्रक्रिया की तो हाथ से कृष्ण ने बाण को पकड़ लिया, पकड़ लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और बाण जैसा ही छूटा। बाण जैसे ही छूटते साथ ही सूरत का गला कट गया और जोर से, इतना गला जोर से कटा कि उस बाण का वो उसका सर जाकर अर्जुन के सर को लगा और आके कृष्ण के हाथों में पड़ गया, सूरत का उस सर। धन्यवाद उस सर बात करने लगा कि प्रभु मारने का भी ये तरीका अच्छा है, जिस बाण से आप छोड़े थे उस बाण पे तो आप ही विराजमान थे, इसलिए मेरा सर कटा, मैं आज भाग्यवान। सूरत उस सर को अपने हाथ में लेकर प्रश्न करते हैं कि हे गरुड़ तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ और इसको लेकर मेरे प्रयाग में इस सर को, इस शरीर को डाल देना, इस सर को डाल देना और तुम इसको आज मोक्ष देना है, इसने मेरे से इतना प्रेम किया कि केवल मेरे हाथ से मरना चाहता था और मैंने इसे मार दिया। अर्जुन ने इस चीज को देखा, इस व्रत को देखा, इस स्थिति को देखा और देखता है जैसा ही गुरु ने ले जाकर उस मस्तक को प्रयाग में डाला, दूसरे ही क्षण वो सूरज से लेकर माता भगवती की कृपा से उस सूरज का मुंड वहां से निकलकर माता काली के मुंडमाला की माला बन गया। इस सूरज की मुंडमाला उस माला में थी। हम दुर्गा सप्तशती के सूरज के बारे में सुनते हैं, सूरतों नाम राजा के बारे में सुनते, ऐसे मुंड कितने हुए और कितने भगवान श्री कृष्ण के प्रीति कर हुए, ऐसे मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए कि हम कितना भी प्रेम करें जब तक हमारा सहस्त्रार जागृत नहीं होता, जब तक हम कृष्ण को पहचानने की शक्ति नहीं रखते, जब तक हम उनके ऊपर अविश्वास करते हैं, उनके निंदाएं सुनते हैं, उनके ऊपर अवमान करते हैं, अवमान करते रहते हैं, तो तब तक हम इस संसार में उस श्रेष्ठता को या उस समर्पण को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और समर्पण को प्राप्त करने के लिए हमारा सहस्त्रार जागृत होना जरूरी है, हम कृष्ण को जानना, कृष्ण से वैसा प्रेम करना, यह जानना जरूरी है। जब तक यह नहीं होता तब तक हमारा नहीं होता। और इस सहस्त्रार को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार की कार्य प्रणाली को अपनाना चाहिए, यह भगवान समझा दें। कृष्ण ने गीता में उतना सब कहते हुए अपने पूरे शरीर को पूर्ण भगवत प्राप्ति के साथ श्रेष्ठता के साथ बताया और कहा कि मैं विश्वरूप बता रहा हूँ, हे अर्जुन मुझे देख, मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। और तब पूर्ण युद्ध हो रहा था और अर्जुन पूर्ण अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठा हुआ था और कहा कि ये मेरे तात है, ये मेरे गुरु है, माता पिता है, भाव भाई बहन है, मैं इनको नहीं मार सकता, कृष्ण मैं यहाँ से ये छोड़ के चला जाता हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इनको मार के मुझे विजय भी प्राप्त हो, तो ऐसी विजय मुझे क्या क्यों चाहिए।
अब कृष्ण कहते हैं कि फिर अर्जुन ये क्या नपुंसकता चल रही है। अब तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर हम देखा जाए तो मैंने बहुत बार भी समझाया है, तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर हम पता चले तो अर्जुन वो अस्त्र शस्त्र इसलिए छोड़ा था कि शकुनी जो मामा था उनको पता था कि अर्जुन जब तक युद्ध में है हम युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए अगर अर्जुन का पद स्तंभन करते हैं या मुख स्तंभन करते हैं तो हम जीत जाएंगे। और उसने उसी रात अपने गुरु के पास जाकर बगलामुखी का प्रयोग अर्जुन पर किया था। बगलामुखी के मंत्र में क्या क्या लिखा है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। जो अर्जुन की युद्ध करने की बुद्धि खत्म हो, अर्जुन युद्ध न करके एक जगह बैठ जाए, उसके अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दे, तो उसने बगलामुखी का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया था और अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर कृष्ण के, अगर उस समय कृष्ण नहीं होते तो कौरव जीत जाते। लेकिन कृष्ण ने जब ये बात समझी कि कृष्ण ये क्या हो रहा है, अर्जुन को इतने रात में कल तक युद्ध के लिए पूर्ण रथ के साथ यहाँ आया, सभी को देखना चाहता था, आपका अस्त्र शस्त्र छोड़ा है, अभी युद्ध नहीं करना चाहते, ये क्या हुआ। दोनों तरफ के बीच में कृष्ण खड़े रहकर गीता का उपदेश किए, क्या आप बता सकते हैं, मनुष्य जान दो कृष्ण को जानकर भगवान होकर घोड़े हाथी में खड़े रहते क्या, वो तो हाँ हूँ तो गति नहीं है ना, वो कैसे स्तंभित हो गए थे। तो कृष्ण ने उस समय बगलामुखी का प्रयोग किया, रथ घोड़े सारी सभी लोगों को स्तंभित कर दिया और गीता का उपदेश किया। तब उस बगलामुखी के प्रयोग का निश्चय करने के बाद अर्जुन जागरूक थे और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, आज मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ और आज से तुम जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा। और जिस दिन कृष्ण अर्जुन ने माना और कृष्ण को उन्होंने जगद्गुरु माना और उन्होंने युद्ध जीता, तो यह कार्य जो हुआ, यह जो कार्य हो रहा है इसको सहस्त्रार्थ जागृति कहते हैं। अपने गुरु को पहचानना, अपने गुरु को पहचान कर उनकी आज्ञा का पालन करना, उसके लिए सहस्त्रार्थ की जागृति जरूरी है। और कहीं आपने पूर्ण कृष्णयामर तंत्र कुछ भी देखा हो, त्याग की भावना या मरने के बारे में डर नहीं रहने की, नहीं डर रहने की भावना केवल शिव से प्राप्त होती है। और उस शिव से प्राप्त होने जब शिव तुम्हारे में चैतन्यवान और जागृत हो।